बीती रात पैसों के विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर धारदार शस्त्र से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक रोशनबाग खरबी निवासी परवेज शेख वल्द पापा मियां बताया जा रहा है। तो वहीं तहसील पुलिस आरोपी परवेज वल्द याकूब खान पर 302 का मामला दर्ज कर उसके 4 साथियों की तलाश कर रही है। बीती रात पैसों के विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर धारदार शस्त्र से वार कर उसे जगह पर ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक रोशनबाग खरबी निवासी परवेज शेख वल्द पापा मियां बताया जा रहा है। तो वहीं आरोपी परवेज वल्द याकूब खान पर तहसील पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर उसके 4 साथियों की तलाश शुरू कर दी है। मयत जो है त्याचं नाव परवेज शेख वल्द पापा मियां शेख असं नाव आहे मृतकाचं। आणि आरोपी जो आहे तो मृतक आणि आरोपी हे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत आणि पैशाच्यावरून त्यांचा वाद होता, सोबत काम करायचे ते आणि पैशावरून त्यांचा वाद होता। त्या वादातून ही घटना घडली आहे। अग्रसेन चौकात घडली आहे। आरोपीने मृतकास अग्रसेन चौकात बोलवलं की पैसे देतो म्हणून तुझे जे राहिलेले आहेत ते, आणि अग्रसेन चौकात बोलवलं। जवळपास एक रात्री 1 दरम्यानची ही घटना आहे आणि पैसे देतो असे सांगून त्याला बोलवलं आणि नंतर त्या आरोपी आणि इतर त्याच्या साथीदारांनी मृतकावर चाकूने वार करून त्याची हत्या केली। बताया जाता है कि आरोपी और मृतक दोनों प्रॉपर्टी का काम करते थे और मृतक को कुछ पैसे देने के लिए कल रात आरोपी परवेज वल्द याकूब खान उसे अग्रसेन चौक पर बुला रहा था। मृतक अपने दोस्त कलीम शेख वल्द करीम शेख के साथ हसनबाग में खाना खा रहा था। इसी दौरान रात 1 अपनी एक्टिवा गाड़ी से सवार होकर वह आरोपी के बताए पते पर पहुंचा। कुछ देर बात करने के पश्चात एक बार फिर पैसों को लेकर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और देखते ही देखते आरोपी परवेज और उसके 4 साथियों ने मिलकर दोनों पर हमला बोल दिया। एकाएक हुए इस हमले में मृतक का दोस्त करीम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन परवेज शेख और उसके 4 साथियों ने मृतक के गर्दन पीठ पेट पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि 2022 फरवरी महीने की बात करें तो नागपुर शहर का क्राइम ग्राफ 0% था और 2023 फरवरी महीने में पहले ही सप्ताह की शुरुआत इस तरह के मर्डर से हो गई है, जिसे पुलिस विभाग भी सकते में है। जरूरी है नागपुर पुलिस को रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की। बहरहाल इस हादसे में कलीम शेख ने तहसील पुलिस में मामला दर्ज किया है और इसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज कर सभी 5 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।